अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सुनहरा राजपूत। वेलकम टू लर्नर अकेडमी विद न्यू टॉपिक स्पिरिचुअलिटी, जो का आज हमारा चैप्टर नंबर है वो है 31st, मतलब जो हमारा टॉपिक है 31st पॉजिटिव साइकोलॉजी का। इस पर हमने आज स्पिरिचुअलिटी पे बात करनी है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का वर्ड है जो ये स्पिरिट से निकला है, ठीक है, मतलब स्पिरिट जज्बा या रूह से कह लो, उससे ये लफ्ज़ निकला है। अगर हम इसको उर्दू में इसको देखा जाए तो उसको रूहानियत का नाम जो सा है वो दिया गया है। जो स्पिरिचुअलिटी है ये मतलब कि हर रिलीजन में इसको डिफरेंट वे से जो कह लो कि बयान किया गया है, डिफरेंट वे से और डिफरेंट इसके ऊपर डेफिनेशंस हैं जो वो इस पे जो सी हैं वो लिखी गई हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी को बयान करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसको इस्लाम में क्या कहा गया है, मतलब उसको कैसे डिफाइन किया गया है वो हम देखते हैं, ठीक है। जो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है, ये एक रूह से ये लिया गया है। और जैसे कि हमें पता है एज अ मुस्लिम कि हमें पता है कि हम लोगों को जो पैदा करने वाला है वो जो सी ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है, और उसी ने हम सबको ये कह लो कि हमारे जिस्म के अंदर रूह मतलब कि फूंकी है। तो उसके अंदर उसके बाद रूह फूंकने के बाद उसका जो एक और हमारे अंदर जो मतलब के फैक्टर डाला गया था वो अमर है। अमर मतलब कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऐसा अमल जिसे कह लो कि डाल दिया था कि तुमने मेरी इबादत करनी है, मेरे मतलब के मखलूक के साथ अच्छा रवैया पेश करना है, कि अल्लाह ताला के जो उन्होंने हमें काम बताए हुए हैं उसको कह लो मानना, एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की एक एग्जांपल है कि हम अपनी जो सी हमारी जो सी रूहानियत है उसका जो मेन काम है, उसको जो मेन फैक्टर है मतलब उसको करने का वो पूरा हो रहा है। अगर इस्लाम में हम देखा जाए, इस्लाम में कि हम कहते हैं कि कितनी रूहानी शख्सियत है किसी के बारे में, कि वो बंदा जो मतलब कि जिस पर नूर नज़र आ रहा है, जिसने कह लो कि उसका जो हुलिया है वो ऐसा बनाया हुआ है कि टोपी ली हुई है, अच्छे से कपड़े उसने साफ़ सुथरे पहने हुए हैं, कि उसकी दाढ़ी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हुलिये पर जो उनसी रूहानियत है वो डिपेंड नहीं करती। ये होती है कि हमारी जो उनसी अंदर की हमारी जो रूहानियत है वो होती है हमारी नेचर पे डिपेंड करती है, हमारे अमाल पे डिपेंड करती है, कि जो हमारी जो काम है वो किस तरह से है और ये कैसे आगे लोगों को बेनिफिट जो उनसे है वो दे रहे हैं, देन हम उस तरह से रूहानियत का पता करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी में है, स्पिरिचुअलिटी रिप्रेजेंट द की एंड यूनिक फंक्शन ऑफ रिलीजन, मतलब कि हर रिलीजन में इसको डिफरेंट वे में बताया गया है, ठीक है, डिफरेंट तरह की इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले तो रूहानियत एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हम जितना बयान करें या जितना करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसके सही वर्ड्स में इसको बयान कर सके। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारी बातें की हुई हैं, तो देखते हैं कि साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विद रूम फॉर मैनी परस्पेक्टिव। इन जनरल इट इंक्लूड अ सेंस ऑफ कनेक्शन टू समथिंग बिगर दैट योरसेल्फ, एंड इट टिपिकली इन्वॉल्व अ सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ। एज सच इट इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, समथिंग टच अ साल। के जो सी है ये स्पिरिचुअलिटी जो रूहानियत है ये यूनिवर्सल है, ये नेचुरली कह लो कि इंसान के अंदर होती है, कि हम इसको ये नहीं कहते कि ये डिवेलप होती है, कुछ भी है, कि हमारे जो अमाल हैं वो हमारी रूहानियत का अक्स होते हैं, ठीक है, कि हम कितने हैं
कितने ज़्यादा परहेज़ गुजार रहे हैं या कैसे, वो हमारी उसका अक्स होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वाई स्पिरिचुअलिटी सो इम्पोर्टेंट, कि स्पिरिचुअलिटी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल इनकरेज पार्टिसिपेशन इन अ कम्युनिटी, ठीक है, स्पिरिचुअल फॉलोशिप सच एज अटेंडिंग चर्च और मेडिटेशन ग्रुप कैन बी सोर्स ऑफ सोशल सपोर्ट विच प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी, के हम मतलब कि दूसरों के साथ कह लो मेडिटेशन करके, मेडिटेशन ग्रुप में जाके या फिर दूसरों के साथ उनकी हेल्प करके अपने बिहेवियर के साथ, ये भी किस्म होती है जिसमें हम अपनी जो सी है स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किसी एक कह लो कि वाइस मैन का ये कॉल है, उसने कहा था कि अगर आप दरख्त से उसका फल तोड़ने लगे हो तो सबसे पहले आप उसकी इजाज़त दरख्त से लो कि मैं तुम्हारा फल लेने लगा हूँ, कि मुझे इसकी इजाज़त दी जाती है या मैं वो ले सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि दरख्त तो बोल नहीं सकता, मतलब कि उससे तो नहीं होगा कि वो बोल के बताए कि हाँ जी तुम ले लो। ये होगा कि हमने अपने तौर से उसको ये एहसास दिलवाया कि हाँ हमें तुम्हारे साथ है, तुम्हारी परमिशन के साथ ऐसा काम करें। ये भी रूहानियत की एक एग्जांपल है और ये साइंस ने प्रूफ किया है कि ये जितने भी दरख्त पौधे ये इनके अंदर ये चीज़ें फ़ील करते हैं कि उनके साथ अगर उनको काटा जा रहा है या कुछ तोड़ा जा रहा है तो उनको ये फ़ील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाथवे हैं स्पिरिचुअलिटी के, बिलीव्स हैं जो उनसे दोस्त ट्रेडिशन ऑर्गेनाइज्ड दो इनक्राइड रिलीजन, फॉर एग्जांपल जिसमें मुस्लिम हिंदू बुद्ध बुद्धिज़्म है, ठीक है। नेवर स्पिरिचुअलिटी न्यू स्पिरिचुअलिटी मूवमेंट जोन सी है जिसमें गुडनेस है, फेमिनिस्ट आ जाती हैं एंड मोर इंडिविजुअल वर्ल्ड व्यूज़, ठीक है। दिस पाथवे टू स्केयर आल्सो बी डिस्क्राइब्ड स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग विच इंक्लूडेड पर्सनल गोल एसोसिएटेड विद, हमारा कोई भी पर्पज़ हो गया उसके साथ कह लो के होता है। उसके बाद है कि 75 जो पर्सन है ना वो रिगार्ड देम बोथ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, के 75% जो से होते हैं वो रिलीजियस होते हैं, मतलब उस पर होते हैं। उसके बाद है कह लो कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक स्टडी कह लो के हुई थी। उसके बाद स्टडी विंग भी कंडक्टेड अर्थक्वेक सर्वाइवल इन पाकिस्तान, इट वाज कंडक्टेड डैट दोस इन्वॉल्व इन रिलीजियस कोपिंग शोड लेस डिस्ट्रेस, ठीक है। एज एन एग्जांपल वन नेटिव द अर्थक्वेक सर्वाइवर इट डिस्क्राइब लो, उन्होंने एक जौन सा था उसने नीचे अपना कह लो कुछ अल्फाज बयान किए हैं। उसने कहा है कि हम खुदकुशी कैसे कर सकते हैं, हम मुसलमान हैं और इस्लाम में मायूसी को कुफर कहा गया और खुदकुशी को हराम। मतलब हम खुदकुशी करने का तब सोचते हैं जब हम अपनी हालात से तंग आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से तंग आए होते हैं, मायूस हुए होते हैं, तो क्या मायूसी को इस्लाम में मना करार दिया गया। हम ऐसा करने से सोच भी नहीं सकते, खुदा ताला से उम्मीद है वो गफार गफूर होने के साथ रहमान और रहीम भी है, ठीक है। तो अगर ये कह लो कि जैसे हमारे इंटरनल फंक्शंस की हम बात करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो वो अकेला एक काम ठीक से नहीं कर, मतलब कि अकेला वो काम नहीं कर सकता। जैसे घर में होता है एक फर्द घर का सिस्टम नहीं चला सकता कि वो घर को भी देख रहा है, घर का काम भी कर रहा, बाहर भी कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी एक दूसरे का सहारा लिए बगैर अपने जो वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर दिल का काम है हार्ट बीट, मतलब कि धड़कना, अगर वो धड़कना बंद हो जाए, वो कुछ हो जाए, तो पूरे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है पूरे बॉडी, मतलब इंसान की डेथ हो जाती है। अगर इंसान का मेंटल में जो सा माइंड उसमें कुछ मसला आ जाए तो वो इंसान मेंटल डिसऑर्डर्स में चला जाएगा। क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स में गया तो उसके साथ साथ उसके जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरह हमारे जो अंदर कह लो खूबियाँ या खामियाँ हैं वो एक दूसरे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। लाइक जो स्पिरिचुअलिटी है ये अकेला काम नहीं कर सकता, इसके साथ इसमें हमारे साथ जो करेज, हमारा फेथ, हमारी होप, ये सब कुछ इसके साथ होती हैं। कि हम कह लें कि स्पिरिचुअलिटी रूहानियत तो दोस्तों नहीं, हमारा बिहेवियर, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, सब कुछ इसके साथ जो उनसे होती है वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है।
उसके बाद स्पिरिचुअलिटी नीड्स यहाँ पे आया कि एक सर्वे में उन्होंने देखा था कि 51 साइकेट्रिक इन पेशेंट विद डोज ऑफ 50 मेडिकल इन पेशेंट रिपोर्टेड डैट, उन्होंने चेक किया था कि 80% जो साइकेट्रिक पेशेंट थे ना और 88 जो मेडिकल थे, दोनों में मतलब जो मेडिकेशन ले रहे थे और एक थे जो साइकेट्रिक पेशेंट थे, एक्सप्रेस द नीड ऑफ प्रेयर। मतलब उन्होंने कहा क्या कि उनको, उन्होंने ये शो किया कि उनको दुआएं की ज़रूरत है या फिर वो मतलब कि खुदा का ताला के पास उनके उनके करीब होना चाह रहे हैं, क्लोजनेस चाह रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन 65 साइकेट्रिक पेशेंट एंड 66 मेडिकल पेशेंट एक्सप्रेस द नीड ऑफ विजिट फ्रॉम अ होली पर्सन टू प्रे विद देम। मतलब के और जो एक और सर्वे के दौरान देखा गया कि 65% जो साइकेट्रिक के पेशेंट थे और 66% ऐसे जो के मतलब के इस बीमारी में थे, उनसे ये देखा गया कि वो चाह रहे थे कि वो किसी ऐसे बंदे के पास जाए जो उनके लिए दुआ कर सके। ये नेचुरल है कि हम जब भी किसी तकलीफ़ में होते हैं तो हम अल्लाह ताला के और करीब हो जाते हैं, उसे दुआएँ मांगना जो उनसे वो शुरू हो जाते हैं कि हमें अल्लाह इस मुसीबत से निकाल या कुछ कर। तो ये हमारा नेचुरल है हमारे अंदर कि हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो हम अल्लाह को पुकारते हैं, तो और अल्लाह और इवन हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं, और ये भी कि हम दोबारा से गुनाह नहीं करेंगे या सब कुछ, ये सब कुछ जो सा वो चल रहा होता है, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक था वो यहीं भी ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने स्पिरिचुअलिटी को देखा है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या और उसके साथ रिलीजियंस के साथ इसका किस तरह से एक मिक्सचर जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से बना हुआ है। तो आज का टॉपिक जो सा हमारा इधर ख़त्म होता है। अल्लाह।